दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि सिंगल लुकअप वैल्यू से हम मल्टीपल रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। तो आप देखिए, मेरे सामने कुछ डेटा है, मैंने आपके सामने कुछ डेटा बना रखा है पहले से, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सेल्स टारगेट है, अचीव टारगेट, यानी कि एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम है, उसका डिपार्टमेंट है, उसके टारगेट कितने का दिया गया था, अचीव उसने कितना किया। ये देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1007 एम्प्लॉय आई डी लिखे, उसका एंटर किया, तो 1007 पर आप देख सकते हैं नाम सोनू, उसका ऑटोमेटिक आ गया। डिपार्टमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक है, सेल्स टारगेट तो उसका 3,50,000, लेकिन उसने अचीव टारगेट किया 2,90,000। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 1002, उसके बाद एंटर करता हूँ, तो 1002 पर आप देख लीजिए रमेश है, लाइटिंग है, 3,00,000 है, 2,50,000 है। जैसे एंटर करता हूँ तो 1002 पर रमेश, लाइटिंग, 3,00,000 उसका टारगेट था, अचीव किया इसने 2,50,000। तो ये टेबल है, इसमें डेटा थोड़ा है, अगर डेटा आपका ज़्यादा हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके बॉस आपकी जिस कंपनी में काम करते हो वो आपसे पूछते हैं, पार्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉय का पूछते हैं कि भाई मुझे ये जो मैंने लिखा है एम्प्लॉय आईडी से, एम्प्लॉय आईडी आपको बताते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे इस एम्प्लॉय का नाम बताइए, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका सेल्स टारगेट क्या था, उसने इस महीने अचीव कितना किया है। क्योंकि ओनर को सारे एम्प्लॉयज का पता नहीं रहता, वो एम्प्लॉय आईडी आपको देंगे, उसकी डिटेल आपसे निकलवाएंगे, क्योंकि वहाँ आप काम करते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपके बॉस ने आपसे कहा भाई मुझे 1008 ये एम्प्लॉय आईडी है, मुझे इसका नाम, डिपार्टमेंट बताओ, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, और इसका सेल्स टारगेट क्या था इस मंथ, उसने अचीव कितना किया है। 1008 जैसे आप एंटर करते हैं तो आप अपने बॉस का फोन नंबर बता देंगे, जो उसका नाम मोनू है, लाइटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल्स टारगेट उसका 4,50,000 है, लेकिन इस महीने उन्हें अचीव जो किया है 3,40,000 किया है। ऐसे ही वो किसी भी एम्प्लॉय आईडी आपको देते हैं किसी के भी, उससे आप उसका डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये मैं डिलीट कर देता हूं एक बार। अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी से मैं उसका नाम, डिपार्टमेंट, सेल्स टारगेट या अचीव टारगेट निकाल सकूं, यानी कि सिंगल लुकअप वैल्यू से, ये जो वैल्यू है सिंगल लुकअप वैल्यू से, उसके हम मल्टीपल रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नेम में आना है, क्योंकि आपको डिटेल जो चाहिए एम्प्लॉय आईडी से चाहिए। यहां पर आप लिखेंगे सिंपल इक्वल का साइन लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपकी कौन सी है, मैंने कहा इस कॉलम के अंदर, जो कि मैंने अभी टाइप नहीं किया, टाइप कर दूंगा, क्योंकि इस कॉलम के अंदर जो भी हम एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे तो उसका नाम ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, पूछता टेबल एरे, टेबल एरे हम यूं करके पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये डेटा मेरे पास थोड़ा है इसलिए मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, अभी मैं आपको डिपार्टमेंट वाले टैब में। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि इस लुकअप वैल्यू से आप क्या चाहते हैं, कौन से कॉलम का रिजल्ट चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास 5 कॉलम है, तो मुझे एम्प्लॉय नेम में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, वो की है जो कि 2 नंबर कॉलम पर है, कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है कि ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, नहीं हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए फॉल्स या जीरो भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट करता हूँ बंद, मैं करता हूँ एंटर, एन ए आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1001, तो उसका नाम आ चुका है सुरेश। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1006 श्याम, अगर मैं टाइप करता हूँ उसमें 1007 एंटर करता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं 1007 पर सोनू है। अब ये जो फॉर्मूला लगा है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो मैं आपको अभी बताता हूँ। डिपार्टमेंट वाले टैब पर आते हैं हम, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी यही है, कॉमा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टेबल अगर इनके पास थोड़ा है तो आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है टेबल सेलेक्ट करने का, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आपको करना क्या है, आपके डेटा की शुरुआत जहाँ से हो रही है, मेरे एम्प्लॉय आईडी से हो रही है, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे आप, यहाँ आपको क्लिक करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, उसके बाद जो एरे होते हैं आपके कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट के दबाने के बाद, मेरा डेटा जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो राइट वाला जो है
एरो दबा दूंगा, उससे होगा क्या कि डेटा आपका कंटिन्यूस जहां तक होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद मुझे अब जाना है डाउन, तो मैं डाउन वाला एरो जैसे ही दबाता हूं तो डेटा मेरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने डेटा एक बार में सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद लेफ्ट एरो दबाया तो डेटा मेरा जहां तक था वहां तक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, और डाउन एरो दबाते ही मेरे डेटा लास्ट तक हो गया। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूं, उसके बाद पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि इस वैल्यू से आप किस कॉलम का रिजल्ट चाहते हो। तो मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट का, जो कि है 1, 2, 3, तीन नंबर पे, तीन नंबर मैंने क्लिक दबाया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 ब्रैकेट बंद और एंटर, तो उसका डिपार्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक। अब अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं 1008, तो उसका नाम है मोनू, लाइटनिंग डिपार्टमेंट में है। अब मैं टाइप करता हूं यहां पर 1003, तो 1003 जैसे ही मैंने यहां टाइप किया तो उसका नाम है ब्रिजेश गारमेंट। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो ब्रिजेश गारमेंट आ चुका है। अब देखिए, अब आप चाहते हैं कि आपको फॉर्मूला आगे ना लगाना पड़े, आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, मैं इसे F2 कर देता हूँ। F2 करने के बाद जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो तो ये रहेगी हमारी, लेकिन जो हमारा डेटा है यानी कि A5 से E15 तक, यानी A5 ये रहा हमारा और E15 हमारा, E हमारा कॉलम हो गया, 15 हमारी रो हो गई E15 तक, कि एम्प्लॉय ID हमारे पास है, हमें क्या करना है, डेटा का जो सिलेक्शन था उसे F4 से लॉक करना है। हम E और 15 के बीच में ये माउस का कर्सर रखेंगे, उसके बाद F4 से क्लिक कर देंगे, यानी कि हमारी ये जो रेंज है वो फिक्स हो चुकी है, डेटा हमारा इसी के अंदर है, ना इससे ऊपर है ना इससे नीचे, ना लेफ्ट ना राइट, तो ये हमारी फिक्स है और हमारा जो सिलेक्शन है वो ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम F4 को यूज़ करते हैं। उसके बाद G6 भी लॉक कर दिया। जो सेल्स टारगेट है हमारा कॉलम नंबर 4 में है, एंटर करता हूँ, उसके बाद इस फॉर्मूले को आगे पकड़ के खींच दिया। अब मैं सेल्स टारगेट वाले कॉलम में आता हूँ, इसे F2 करता हूँ, सब कुछ सेम है हमारा, केवल ये जो नंबर है 3 के जगह कॉलम नंबर 4 करना है हमें, क्योंकि हमें जो इससे रिजल्ट चाहिए वो सेल्स टारगेट 4th नंबर कॉलम पर है। मैंने 4 लिखा, एंटर करा। ऐसे गवर्नमेंट्स वाले में हम F2 करेंगे, फॉर्मूलास में लगा दिए क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को पकड़ के आगे तक खींच दिया था। अब मैं यहाँ 3 की जगह 5 लिखूंगा, देखिए एम्प्लॉय ID 1, 2, 3, 4, 5, अचीव टारगेट जो है 5वें नंबर पर है, 5 लिखा, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका टारगेट 1,80,000 था और 1,40,000 इसने अचीव किया है। अब अगर मैं यहाँ पर 1007 करा मैंने, तो 1007 पर सोनू इलेक्ट्रॉनिक 3,50,000 टारगेट था, उसका 2,90,000 अचीव किया है उसने। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 1003 टाइप करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं नाम ब्रिजेश आ गया इसका, ये देखिए गारमेंट्स डिपार्टमेंट है, टारगेट इसका 1,80,000 है और अचीव किया इसने 1,40,000। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम सिंगल लुकअप वैल्यू से मल्टीपल रिजल्ट पा सकते हैं वी लुकअप की सहायता से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।